आशाज़ कुकिंग आइडियाज़ में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज आपको एक नई तरह के कोफ्ते बनाना बताऊंगी और इसके कोफ्ते क्रिस्पी और क्रंची होंगे, टेस्ट इतना बढ़िया होगा। ये देखिए, इस तरह से इसके कोफ्ते बनेंगे। और इस कोफ्ते के इंग्रेडिएंट्स में मैंने डाले हैं ये पफ्ड राइस, जिसको कहीं चिवड़ा बोलते हैं, और ये खट्टा मीठा डाला है। तो आइए शुरू करते हैं ये लाजवाब कोफ्ते बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई गैस पर रखी है और उसमें एक प्याज और तीन टमाटर काट के डाल दिए हैं। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी, ये दालचीनी, ये छोटा सा जावित्री का टुकड़ा, ये एक बड़ी इलायची, और ये चक्रफूल का छोटा सा टुकड़ा, एक छोटी सी लाल मिर्च सूखी हुई, ये थोड़ी सी काली मिर्च, और ये दो हरी इलायची, दो लौंग, ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और थोड़ा सा नमक डालकर ढककर पकाऊंगी। ये तो हुई ग्रेवी की तैयारी। अब कोफ्ते के लिए देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। ये हमने थोड़ा सा खोया लिया है, ये चार क्यूब्स चीज़ के लिए हैं, तीन बॉयल्ड आलू लिए हैं, ये पफ्ड राइस या चिड़वा, और ये खट्टा मीठा, ये दोनों एक एक बाउल लिए हैं। चीज़ को और पोटैटोस को मैं ग्रेट करूँगी और खट्टा मीठा और पफ्ड राइस को मैं मिक्सी में पीस लूँगी। ये पफ्ड राइस पीस लिए और इसी कंटेनर में हमने खट्टा मीठा डालकर उसे भी पीस लिया। अब इसमें हमने खोया मिलाया और उबले हुए आलूओं को इसमें हमने ग्रेट कर लिया। इसके बाद चीज़ क्यूब्स को भी हमने इसमें ग्रेट करके मिला लिया। अब इसमें हम चार चम्मच भर के अपनी कोल्ड ड्रिंक डालेंगे, चाहे वो कोका कोला हो या पेप्सी हो। वो किस लिए? वो इसलिए जिससे कि ये क्रिस्पी और फूले फूले बनेंगे। जैसे हम मीठा सोडा डालते हैं या बेकिंग पाउडर डालते हैं या बेकिंग सोडा डालते हैं, तो उसकी जगह हम ये चार चम्मच कोल्ड ड्रिंक डालेंगे और डालेंगे थोड़ा सा नमक और 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अब इन सबको मिलाकर अपनी मनचाही शेप के गोले बनाइए, चाहे ओवल शेप के या राउंड शेप के, और तेल गरम करके पहले एक डालकर देख लीजिए कि वो फट तो नहीं रहा है। अगर वो नहीं फट रहा है तो बाकी के गोले भी उसके अंदर डाल के उनको करारा होने तक सेक लीजिए। गैस मीडियम ही रखिए, अगर आप स्लो रखेंगे तो ये सारे कोफ्ते चिपक जाएंगे, और अगर तेज़ रखेंगे तो ये जल जाएंगे। इसलिए गैस की फ्लेम का ख़ास ध्यान रखिए और उसको मीडियम पर ही रखें। पहली बार पलटते समय ज़रा ध्यान रखें, हल्के से ये खुरचे जाएंगे। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो ये फूट सकते हैं। इसके बाद ये आराम से सिकते रहेंगे। उनको इजीली आप हर बार इधर उधर मोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ पहली बार थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये क्रिस्प होने पर निकाल लिए हमने, ये देखिए कितने करारे और कितने बढ़िया बने हैं। इनको आप वैसे ही खाएंगे तब भी बहुत टेस्टी लगेंगे। अब इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। इसके लिए हमने गैस पर पैन रख दिया है और हम इसमें 1 बड़ा टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। तेल गर्म होने पर इसमें हम 1 बड़ा टेबल स्पून ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा चटकने पर हम इसका
वो वाला मिश्रण डालेंगे जो हमने प्याज टमाटर और गरम मसाले का बनाया था, उसको हमने पीस लिया था बॉईल करके, वो हमने इसमें डाल दिया है। अब एक टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च डालकर हम इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि ये मसाला तेल ना छोड़ने लगे और इसका कलर इतना खूबसूरत ना बन जाए, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। ये हमारा मसाला भून के तैयार हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको कलर आने तक थोड़ा सा पकने देंगे। अब इसमें हम तैयार किए हुए अपने सारे कोफ्ते डाल देंगे। 4-5 मिनट के लिए गैस को जलता हुआ ही छोड़ देंगे, जिससे कि कोफ्ते इसमें जब पड़ें तो उनके अंदर रस आराम से भर जाए। ज़्यादा देर तक गैस पर नहीं रखेंगे, नहीं तो ये घुल जाएंगे। अभी जब तक मैं इनको सबको डालूंगी तब तक गैस जली रखूंगी, इसके बाद गैस को बंद कर दूंगी। अब चमचे से इसकी ग्रेवी इन कोफ्तों पर डाल दूंगी, जिससे ये ऊपर तक इसमें मसाला चला जाए। अब गैस मैंने बंद कर दी है और इसके ऊपर एक कटोरी में मलाई को फेंटकर क्रीम बनाई गई है, वो इसके ऊपर मैं डाल दूंगी। अच्छी तरह से क्रीम डालने के बाद इसके ऊपर हरे धनिए से इसको सजा दूंगी। ये तैयार हो गए एक अनोखे स्वाद वाले कोफ्ते, जो कि चटपटे भी हैं, क्रीमी भी हैं और क्रंची भी हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आए तो।